आखिरकार हो ही गई रिया और रणवीर की शादी, हो गया सुहानी का सपना चकनाचूर। जी हाँ, सही सुना आप सभी ने, बात कर रहे हैं शो सिर्फ तुम के बारे में, क्योंकि अब सुहानी को बचाने के लिए रणवीर ने तो अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और रिया के साथ शादी करने के लिए अग्री भी हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ सुहानी को अपनी बेगुनाही का सबूत मिल तो जाता है और सुहानी लगातार ममता को फ़ोन करेगी, लेकिन ममता जो है वो किसी को कोई भी नहीं खबर होने देगी और बता दें आप सभी को कि अब फाइनली हो जाने वाली है रिया और रणवीर की शादी। रिया का सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो तो रणवीर के प्यार में बचपन से ही पागल है। जी हाँ, अब जब इन दोनों की शादी पूरी हो जाएगी तो सुहानी यहाँ पहुँचेगी मंडप के पास और देख लेने वाली है नज़ारा, और ये नज़ारा उड़ा कर रख देगा सुहानी के होश। अब वो रिया की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखेगी, वो भी रणवीर के नाम का। इस अपडेट पे हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।